श्री परमात्मा ने नमः। श्रीमद्भागवत गीता के 13वें अध्याय का महात्म्य। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती अब 13वें अध्याय की अगाध महिमा का वर्णन सुनो। उसको सुनने से तुम बहुत प्रसन्न होगी। दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नाम की एक बहुत बड़ी नदी है। उसके किनारे हरिहरपुर नामक रमणीय नगर बसा हुआ है। वहाँ हरिहर नाम से साक्षात भगवान शिव जी विराजमान हैं, जिनके दर्शन मात्र से परम कल्याण की प्राप्ति होती है। हरिहरपुर में हरि दीक्षित नामक एक श्रोत्रिय ब्राह्मण रहते थे। स्वाध्याय में संलग्न तथा वेदों के पारगामी विद्वान थे। उनके एक स्त्री थी, जिसे लोग दुराचारा कहकर पुकारते थे। इस नाम के अनुसार ही उसके कर्म भी थे। वह सदा पति को कुवाच्य कहती थी। उसने कभी भी उनके साथ शयन नहीं किया। पति से संबंध रखने वाले जितने लोग घर पर आते, उन सबको डांट बताती और निरंतर व्यभिचारियों के साथ रमण किया करती थी। एक दिन नगर को और स्वयं निरंतर व्यभिचारियों के साथ रमण किया करती थी। एक दिन नगर को इधर उधर आते जाते हुए पुरवासियों से भरा देख उसने निर्जन एवं दुर्गम वन में अपने लिए संकेत स्थान बना लिया। एक समय रात में किसी कामी को न पाकर वह घर के किवाड़ खोल नगर से बाहर संकेत स्थान पर चली गई। उस समय उसका चित्त काम से मोहित हो रहा था। वह एक एक कुंज में और प्रत्येक वृक्ष के नीचे जा जाकर किसी प्रियतम की खोज करने लगी, किंतु उन सभी स्थानों पर उसका परिश्रम व्यर्थ गया। उसे प्रियतम का दर्शन नहीं हुआ। तब वह उस वन में नाना प्रकार की बातें कहकर विलाप करने लगी। चारों दिशाओं में घूम घूम कर वियोग जनित विलाप करती हुई उस स्त्री की आवाज़ सुनकर कोई सोया हुआ बाघ जाग उठा और उछलकर उस स्थान पर पहुंचा जहां वह रो रही थी। उधर वह भी उसे आते हुए देख किसी प्रेमी की आशंका से उसके सामने खड़ी होने के लिए ओट से बाहर निकल आई। उस समय व्याघ्र ने आकर उसे नखरूपी बाणों के प्रहार से पृथ्वी पर गिरा दिया। इस अवस्था में भी वह कठोर वाणी में चिल्लाती हुई पूछ बैठी, अरे बाघ, तू किस लिए मुझे मारने को यहाँ आया है? पहले इन सारी बातों को बता दे, फिर मुझे मारना। उसकी यह बात सुनकर प्रचंड पराक्रमी व्याघ्र क्षण भर के लिए उसे अपना ग्रास बनाने से रुक गया और हंसता हुआ सा बोला, दक्षिण देश में मलापहा नामक एक नदी है। उसके तट पर मुनिपर्णा नगरी बसी हुई है। वहाँ पंचलिंग नाम से प्रसिद्ध साक्षात भगवान शंकर निवास करते हैं। उसी नगर में मैं ब्राह्मण कुमार होकर रहता था। नदी के किनारे अकेला बैठा रहता और जो यज्ञ के अधिकारी नहीं है उन लोगों से भी यज्ञ कराकर उनका अन्न खाया करता था। इतना ही नहीं, धन के लोभ से मैं सदा अपने वेद पाठ के फल को भी बेचा करता था। मेरा लोभ यहाँ तक बढ़ गया था कि अन्य भिक्षुओं को गालियाँ देकर हटा देता और स्वयं दूसरों को नहीं देने योग्य धन भी बिना दिए ही हमेशा ले लिया करता था। ऋण लेने के बहाने में सब लोगों को छला करता था। तदंतर कुछ काल व्यतीत होने पर मैं बूढ़ा हुआ और मेरे बाल सफ़ेद हो गए, आंखों से सूझता न था और मुख के सारे दांत गिर गए। इतने पर भी मेरी दान लेने की आदत नहीं छूटी। पर्व आने पर प्रतिग्रह के लोभ से मैं हाथ में कुश लिए तीर्थ के समीप चला जाया करता था। तत्पश्चात जब मेरे सारे अंग शिथिल हो गए, तब एक बार मैं कुछ धूर्त ब्राह्मणों के घर पर बांगने खाने के लिए गया। उसी समय मेरे पैर में कुत्ते ने काट लिया। तब मैं मूर्छित होकर क्षण भर में पृथ्वी पर गिर पड़ा, मेरे प्राण निकल गए। उसके बाद मैं इसी व्याघ्र योनि में उत्पन्न हुआ। तब से इस दुर्गम वन में रहता हूँ और अपने पूर्व पापों को याद करके कभी धर्मिष्ठ महात्मा यति साधु पुरुष तथा सती स्त्रियों को मैं नहीं खाता। पापी दुराचारी तथा कुलटा स्त्रियों को ही मैं अपना भक्ष्य बनाता हूँ। अतः कुलटा होने के कारण तू अवश्य ही मेरा ग्रास बनेगी। यूँ कहकर वह अपने कठोर नखों से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके खा गया। इसके बाद यमराज के दूत उस पापनी को संयमनीपुरी में ले गए। वहाँ यमराज की आज्ञा से उन्होंने अनेकों बार उसे विष्ठा मूत्र और रक्त से भरे हुए भयानक कुंडों में गिराया। करोड़ों कल्पों तक उसमें रखने के बाद उसे वहाँ से ले आकर 100 मनवंतरों तक रोवर नरक में रखा।
फिर चारों ओर मुँह करके दीन भाव से रोती हुई उस पापनी को वहाँ से खींच कर दहनानंद नामक नरक में गिराया। उस समय उसके केस खुले हुए थे और शरीर भयानक दिखाई देता था। इस प्रकार घोर नरक की यातना भोग चुकने पर वह महापापनी इस लोक में आकर चांडाल योनि में उत्पन्न हुई। चांडाल के घर में भी प्रतिदिन बढ़ती हुई वह पूर्व जन्म के अभ्यास से पूर्ववत पापों में प्रवृत्त रही। फिर उसे कोढ़ और राज यक्ष्मा का रोग हो गया, नेत्रों में पीड़ा होने लगी। फिर कुछ काल के पश्चात वह पुनः अपने निवास स्थान हरिहरपुर को गई, जहाँ भगवान शिव के अंतपुर की स्वामिनी जम्बका देवी विराजमान है। वहाँ उसने वासुदेव नामक एक पवित्र ब्राह्मण का दर्शन किया, जो निरंतर गीता जी के 13वें अध्याय का पाठ किया करता था। उसके मुख से गीता का पाठ सुनते ही वह चांडाल शरीर से मुक्त हो गई और दिव्य देह धारण करके स्वर्गलोक में चली गई। श्री परमात्मा ने नमः। 13वां अध्याय। उसके उपरांत श्री कृष्ण भगवान फिर बोले, हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र है ऐसे कहा जाता है, और इसको जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ ऐसा उनके तत्व को जानने वाले ज्ञानीजन कहते हैं। और हे अर्जुन, तू सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा भी मेरे को ही जान, और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का अर्थात विकार सहित प्रकृति का और पुरुष का जो तत्व से जानना है वह ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। इसीलिए वह क्षेत्र जो है और जैसा है तथा जिन विकारों वाला है और जिन कारणों से जो हुआ है तथा वह क्षेत्रज्ञ भी जो है और जिस प्रभाव वाला है, वह सब संक्षेप में मेरे से सुन। यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तत्व ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है और अर्थात समझाया गया है, और नाना प्रकार के वेद मंत्रों से विभाग पूर्वक कहा गया है, और अच्छी प्रकार निश्चय किए हुए भक्त युक्तियुक्त ब्रह्मसूत्र के पदों द्वारा भी वैसे ही कहा गया है। हे अर्जुन, वही मैं तेरे लिए कहता हूँ कि 5 महाभूत अर्थात आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी का सूक्ष्म भाव, अहंकार, बुद्धि और मूल प्रकृति अर्थात त्रिगुणमयी माया भी, तथा 10 इंद्रियां अर्थात स्रोत, त्वचा, नेत्र, रसना और घ्राण एवं वाक, हस्त, पाद, उपस्थ और गुदा, 1 मन और 5 इंद्रियों के विषय अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, तथा इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, स्थूल देह का पिंड एवं चेतनता और वृत्ति, इस प्रकार यह क्षेत्र कारों के सहित संक्षेप में कहा गया है। हे अर्जुन, श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, दम्भाचरण का अभाव, प्राणी मात्र को किसी प्रकार भी न सताना और क्षमा भाव, तथा मन वाणी की सरलता, श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, अंतकरण की स्थिरता, मन और इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह, इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव और अहंकार का भी अभाव, एवं जन्म, मृत्यु, जरा और रोग आदि में दुख का बारम्बार विचार करना, पुत्र, स्त्री, घर और धनादि में आसक्ति का अभाव और ममता का न होना, तथा प्रिय अप्रिय की प्राप्ति में सदा ही चित्त का सम रहना अर्थात मन के अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्राप्त होने पर हर्ष, शोकादि विकारों का न होना, मुझ परमेश्वर में एक ही भाव से स्थिति रूप ध्यान योग के द्वारा विचारणी भक्ति, ध्यान योग के द्वारा भक्ति, तथा एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव, और विषयासक्त मनुष्यों के समुदाय में प्रेम का न होना, तथा अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति और तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को सर्वत्र देखना, यह सब तो ज्ञान है, और जो इससे विपरीत है वह अज्ञान है, ऐसा कहा है। हे अर्जुन, जो जानने के योग्य है तथा जिसको जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है, उसको अच्छी प्रकार कहूँगा। वह आदि रहित परम ब्रह्म अकथनीय होने से न सत कहा जाता है और न असत ही कहा जाता है, परंतु वह सब ओर से हाथ पैर वाला एवं सब ओर से नेत्र, सिर और मुख वाला तथा सब ओर से स्रोत वाला है, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है और संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित है और आसक्ति रहित है, तथा गुणों से अतीत हुआ भी अपनी योग माया से सबको धारण पोषण करने वाला और गुणों को भोगने वाला है, तथा वह परमात्मा चराचर सब भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण है, और चराचर रूप भी वही है, और वह सूक्ष्म होने से अविज्ञेय है, तथा अति समीप में और दूर में भी वही स्थित है, दूर में भी स्थित वही है, और
वह विभाग रहित एक रूप से आकाश के सदृश परिपूर्ण हुआ भी चराचर संपूर्ण भूतों में पृथक पृथक के सदृश स्थित प्रतीत होता है तथा वह जानने योग्य परमात्मा विष्णु रूप से भूतों को धारण पोषण करने वाला और रुद्र रूप से संहार करने वाला तथा ब्रह्म रूप से सबका उत्पन्न करने वाला है। वह ब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति एवं माया से अति परे कहा जाता है तथा वह परमात्मा बोध स्वरूप और जानने के योग्य है एवं तत्व ज्ञान से प्राप्त होने वाला और सबके हृदय में स्थित है। अर्जुन, इस प्रकार क्षेत्र और ज्ञान और जानने योग्य परमात्मा का स्वरूप संक्षेप में कहा गया। इसको तत्व से जानकर मेरा भाव मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, प्रकृति अर्थात त्रिगुणमय मेरी माया और जीवात्मा अर्थात क्षेत्रज्ञ, इन दोनों को ही तू अनादि जान और राग द्वेषादि विकारों को तथा त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न हुआ जान, क्योंकि कार्य एवं करण के उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति कही जाती है और जीवात्मा सुख दुखों के भोक्तापन में अर्थात भोगने में हेतु कहा जाता है। परंतु प्रकृति में स्थित हुआ ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न हुए त्रिगुणात्मक सब पदार्थों को भोगता है और इन गुणों का संग ही इस जीवात्मा के अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने में कारण है। वास्तव में तो यह पुरुष इस देह में स्थित हुआ भी पर अर्थात त्रिगुणमय माया से सर्वथा अतीत ही है। केवल साक्षी होने से उपद्रष्टा और अर्थात यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमंता एवं सबको धारण करने वाला होने से भर्ता जीव रूप से भोक्ता तथा ब्रह्मादिकों का भी स्वामी होने से महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा ऐसा कहा गया है। इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है वह सब प्रकार से बरतता हुआ भी फिर नहीं जन्मता है अर्थात पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होता। हे अर्जुन, उस परम पुरुष परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान के द्वारा हृदय में देखते हैं तथा अन्य कितने ही ज्ञान योग के द्वारा देखते हैं और अपर कितने ही निष्काम कर्म योग के द्वारा देखते हैं, परंतु इनसे दूसरे अर्थात जो मंद बुद्धि वाले पुरुष है वे स्वयं इस प्रकार न जानते हुए दूसरों से अर्थात तत्व के जानने वाले पुरुषों से सुनकर ही उपासना करते हैं अर्थात उन पुरुषों के कहने के अनुसार ही श्रद्धा रहित हो तत्पर हुए साधन करते हैं और सुनने के परायण हुए पुरुष भी मृत्यु रूप संसार सागर को निसंदेह तर जाते हैं। हे अर्जुन, यावन मात्र जो कुछ भी स्थावर जंगम वस्तु उत्पन्न होती है उन संपूर्ण को तू क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न हुई जान अर्थात प्रकृति और पुरुष के परस्पर के संबंध से ही संपूर्ण जगत की स्थिति है। वास्तव में तो संपूर्ण जगत नाशवान और क्षणभंगुर होने से अनित्य है। इस प्रकार जानकर जो पुरुष नष्ट होते हुए सब चराचर भूतों में नाश रहित परमेश्वर को संभाव से स्थित देखता है वही देखता है, क्योंकि वह पुरुष सब में संभाव में स्थित हुए परमेश्वर को समान देखता हुआ अपने द्वारा आपको नष्ट नहीं करता है अर्थात शरीर का नाश होने से अपने आत्मा का नाश नहीं मानता है। इससे वह परम गति को प्राप्त होता है। और जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति से ही किए हुए देखता है अर्थात इस बात को तत्व से समझ लेता है कि प्रकृति से उत्पन्न हुए संपूर्ण गुण ही गुणों में बरतते हैं तथा आत्मा को अकर्ता देखता है वही देखता है। और वह पुरुष जिस काल में भूतों के न्यारे न्यारे भाव को एक परमात्मा के संकल्प के आधार स्थित देखता है तथा उस परमात्मा के संकल्प से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है उस काल में सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, अनादि होने से और गुणातीत होने से यह अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित हुआ भी वास्तव में न करता है और न लिपायमान होता है। जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त हुआ भी आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिपायमान नहीं होता है वैसे ही सर्वत्र देह में स्थित हुआ भी आत्मा गुणातीत होने के कारण देह के गुणों से लिपायमान नहीं होता है। हे अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है अर्थात नित्य बोध स्वरूप एक आत्मा की ही सत्ता से संपूर्ण जड़ वर्ग प्रकाशित होता है।
इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को तथा विकार सहित प्रकृति से छूटने के उपाय को जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानते हैं वे महात्मा जन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। अतः श्रीमद्भागवत गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग नामक 13वां अध्याय। ओम तत्सत्।